हेलो दोस्तों, आज कंप्यूटर में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको बताने वाला हूँ बुलेट्स एंड नंबर। जी हाँ दोस्तों, बुलेट्स एंड नंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब दोस्तों आप कोई लेटर या पैराग्राफ या कोई लिस्ट बनाते हैं और उसे आप पॉइंट वाइज लिखते हैं और पॉइंट में आप कोई साइन या सिंबल देना चाहते हैं, तो आप बुलेट्स एंड नंबर में जाके बहुत सारे स्टाइलिस्ट में बुलेट्स एंड नंबर का साइन या सिंबल आप वहां से ले सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबर का यूज करके आप अपना लेटर या पैराग्राफ को बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेनू के अंदर में बुलेट्स और नंबर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहां से बुलेट्स और नंबर का यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक लिस्ट बनाते हैं जहां पे हम बुलेट्स और नंबर को यूज करेंगे। बुलेट्स को यहां पर लाने के लिए आपको बुलेट ऑप्शन पे जाना है और यहां पर माउस से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, नीचे आपको बुलेट बहुत सारे मिल जाते हैं। यहाँ से आपको जो बुलेट लेना हो उसे आपको सेलेक्ट करना है और माउस से क्लिक कर देना है। तो देखिएगा, वह बुलेट पेज में आ जाता है। इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो नीचे वही बुलेट आता है। फिर आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। फिर इंटर प्रेस करते हैं तो नीचे फिर से वही बुलेट आता है। यदि आप चाहते हैं कि यह बुलेट को हटा के दूसरा बुलेट लाएं, तो आपको कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करना है और इस बुलेट को हटा देना है। फिर आपको फिर से बुलेट ऑप्शन पे जाना है और माउस से क्लिक करना है। उसके बाद आपको दूसरा बुलेट को सिलेक्ट करना है। जैसे आप ये इस बुलेट को लेना चाहेंगे तो माउस को पॉइंटर यहाँ पे रखना है और माउस से क्लिक कर देना है। फिर इंटर प्रेस कीजिएगा तो वही बुलेट नीचे आएगा। इस प्रकार से आप बुलेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आप बुलेट्स ऑप्शन पर माउस से क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे बुलेट्स मिल रहे हैं, लेकिन इससे भी अधिक आपको बुलेट्स मिलेंगे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे जो ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट, ठीक है, इस पर माउस से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स आ गया और यहाँ पर आपको सिंबल जो ऑप्शन है इस पर माउस से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे बहुत सारे बुलेट्स हैं। आप यहाँ से जो बुलेट्स लेना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल भी कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बुलेट्स आपको लेना है उसे आपको सेट करना है। जैसे मैं इस बुलेट्स को लेता हूँ, सेट किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओके का बटन है, इस बटन पर माउस से क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ओके का बटन है, यहाँ पर माउस से क्लिक करना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बुलेट्स तो नहीं आया, लेकिन आपको बुलेट्स ऑप्शन पर जाना है और यहाँ बटन पर माउस से क्लिक करेंगे तो देखिए वो बुलेट यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। इस पर माउस से क्लिक कर देना है बस। देखिए वो फिर से पेज में बुलेट आ गया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर से बुलेट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम डिफाइन न्यू बुलेट पर माउस से क्लिक करेंगे, फिर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे बुलेट्स आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इससे भी अधिक और बुलेट्स मिलेंगे, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट अभी विंगडिंग्स के नाम से एक फॉन्ट सेलेक्टेड है, अब इसे हम चेंज करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इस बटन पर माउस से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉन्ट के ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ से फॉन्ट आप चेंज कीजिएगा, जैसे यहाँ पे विवडिंग्स, ठीक है, इस फॉन्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा यहाँ बुलेट्स फिर से चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी आप बुलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी आपको फॉन्ट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 3, विंगडिंग्स 2, इस समय क्लिक करने पर आपको यहाँ पर और भी बुलेट्स मिलेंगे। ओके दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे बुलेट्स जो डाला हुआ है इसे आप हटाना चाहेंगे तो पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बुलेट ऑप्शन पर ही जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नन, ठीक है। इस ऑप्शन पर माउस से क्लिक करने पर बुलेट्स जो डाले थे वो हट जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर से आप बुलेट लेना चाहेंगे तो फिर इसी बटन पर जाना है और जिस बुलेट्स को आप लेना चाहेंगे उसको बस आपको क्लिक कर देना, वो बुलेट्स यहाँ पे आ जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बुलेट को कैसे यूज करना है इसे हम लोगों ने करके देखा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है नंबरिंग का, ठीक है, ये भी बुलेट्स की तरह यूज होता है। तो आइए दोस्तों नंबर को यूज करेंगे। तो नंबर को यूज करने के लिए इस बटन पर आना है और माउस से क्लिक करना है। क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे नंबर के फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं रोमन नंबर दिया हुआ है, फिर अल्फाबेट के ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 का नंबर दिया हुआ है। अब जिस नंबर को आपको लेना है उसे सेलेक्ट करके माउस से क्लिक करना है।
ठीक है, जैसे आप क्लिक करते जाएंगे नंबर सीरियल आते जाएगा। यदि आपको दूसरा नंबर लेना है तो फिर से आपको कीबोर्ड से बैकस्पेस प्रेस करके से हटा दीजिएगा, फिर आपको नंबर ऑप्शन पर जाना है, माउस क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे जो नंबर लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नंबर का यूज कर सकते हैं। नंबर ऑप्शन पर फिर से माउस से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इतने सारे नंबर के फॉर्मेट हैं। यदि आपको और अलग तरह के नंबर के फॉर्मेट देखना है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन पर माउस से क्लिक करना है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नंबर स्टाइल, ठीक है। इस बटन पर माउस से क्लिक करने पर यहाँ पे आप देखेंगे और भी तरह के नंबर यहाँ पे हैं। अब जिस तरह का नंबर यहाँ पर लेना चाहेंगे उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप नंबर का यूज करेंगे। यदि आप इस नंबर को हटाना चाहते हैं तो पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नंबर ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है नन, ठीक है। ये ऑप्शन बुलेट में भी था, यहाँ भी दिया हुआ है, इस पर बस सेलेक्ट कर देना है तो देखिए यहाँ से नंबर जो लिए थे वो हट जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से नंबर और बुलेट को हम यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का, ठीक है। इस ऑप्शन का यहाँ पे क्या यूज होता है इसे मैं करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, और इस लिस्ट को हमें अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का लिस्ट बना हुआ है, इस डाटा को हमें अरेंज करना है, इसे लेफ्ट की तरफ लाना है। तो पहले आपको क्या करना है, पूरा डाटा को सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट ऑप्शन पर, ओके दोस्तों, और यहाँ पर माउस से क्लिक करना है। तो देखिए ये लेफ्ट की तरफ आने लगा, अब इसे राइट की तरफ फिर ले जाना होगा तो दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है इंक्रीज इंडेंट का, ठीक है। इस बटन पर माउस से क्लिक करने पर ये राइट की तरफ डाटा जाने लगता है। इस प्रकार से आपको डाटा को लेफ्ट या राइट की तरफ ले जाने के लिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।